नमस्कार, मैं हूं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। शाम के करीब 7 बज रहे थे। गढ़वा के मिराल थाना से महज 50 गज की दूरी पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य अब भी चल रहा था, लेकिन यहां पर कोई था जो आसपास बड़ी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था और बार बार MGCPL कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकलवाने स्थित ऑफिस का चक्कर भी लगा रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि बदमाशों ने अचानक से बंदूक निकाली और फिर शुरू कर दी अंधाधुंध फायरिंग। लेकिन कौन थे वो लोग, क्यों दिया गया इस घटना को अंजाम, क्या उन्हें सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य से कोई दिक्कत थी, या फिर उनकी मांग जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, या फिर MGCPL कंस्ट्रक्शन कंपनी से संबंधित कोई उनका विवाद जुड़ा था, और अगर ये भी कारण ना रहा हो तो क्या था वो कारण, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गढ़वा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। बदमाशों ने बंदूक निकाली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना मिराल थाना क्षेत्र से महज 50 गज की दूरी पर सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य के दौरान घटी। गुरुवार की शाम करीब 5:15 बजे पिलर नंबर 1A के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान गोलीबारी कर भाग रहे युवक को कामगारों ने और वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस के सहयोग से धर दबोचा। घटना की जानकारी मिलते ही SP दीपक कुमार पांडे और DSP नीरज कुमार मिराल थाना में पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गए। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा भी बरामद किया है। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग मामले में निर्माण कार्य कर रहे MGCPL के एडमिन ऑफिसर जफर हसन द्वारा 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मिराल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों द्वारा किए गए फायरिंग में एक गोली कंटेनर ऑफिस को छेदते हुए अंदर चली गई, जिससे एक इंजीनियर बाल बाल बच गए। वहीं घटना से कंपनी में कार्यरत कर्मियों में दहशत का माहौल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में शीघ्र कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं घटना के 4 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। घटना को किस गैंग ने किसके कहने पर अंजाम दिया, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस संबंध में DSP नीरज कुमार ने बताया कि छानबीन के बाद पकड़े गए युवक की संलिप्तता गोलीबारी की घटना में नहीं पाई गई है। घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए SP द्वारा SIT का गठन किया गया है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसमें करीब में 2 अनजान व्यक्ति आए, 2 या 3 थे, बाइक से वहां से उतर के यहां फायरिंग की गई। कुछ कहा नहीं गया। अभी कैसा माहौल? अभी तो प्रशासन की हेल्प मिल रहा है। क्या डर है कि नहीं? प्रभु डर तो रहता ही है। मजदूर कैसा, मजदूरों में कैसा है, डर है क्या है? मजदूर अपना अभी काम कर रहे हैं प्रशासन के सहयोग से, लेकिन डर अभी बना है। पहले कभी इस तरह की घटना हुई थी? नहीं। यहाँ पर परसों जो है वो एक शाम में 6 बजे के आसपास जो है एक गोली चलने की घटना घटी है। इसके संदर्भ में हम लोगों के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लोगों को चिन्हित कर लिया गया है कि किन लोगों के द्वारा जो है इस घटना को कारित किया गया है। हर जगह जो है छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जो है सामने आएगा। ये भी नहीं कर सकते हैं अभी तक जो है वो जो समझ में आया है। कुछ लोग जो है पैसों की मांग जो है कर रहे हैं। इस संदर्भ में अभी तक तो ऐसा कोई बात सामने नहीं आया। घटना के बाद फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगे मजदूर और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि लेवी को लेकर किसी गैंग या फिर दल ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।